हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उज्ज्वल गहोई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविदे एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अब प्लेट जो है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। तो नीचे जो हमने अब ये जो प्लेट बनाई हुई है जिनपे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी σ1 + σ1 + σ2 + σ3, ये थिन प्लेट्स है। ठीक है, जो प्लेट्स हमने ली है ये कैसी प्लेट्स है, ये आपकी थिन प्लेट्स है। ठीक, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इसकी वजह से पूरे के पूरे रीजन में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि थिन प्लेट्स है। ठीक है, कैसा चार्ज है सब पे, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कहेंगे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, पॉजिटिव। ठीक, तो हम यहाँ पर रीजन को डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये आप मान लो ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ये रीजन थ्री है, ये रीजन फोर है। ठीक है, ये वाली प्लेट आपकी वन हो गई, ये वाली प्लेट आपकी टू हो गई और ये वाली प्लेट आपकी थ्री हो गई। क्या करोगे, हमें ये तो पता ही है कि जो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी प्लेट की वजह से, थिन प्लेट की वजह से क्या होता है, σ/2ε1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम एक एक करके सारे रीजन में सभी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। मतलब पहले लिखेंगे हम रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। ठीक, फिर रीजन टू में लिखेंगे वो अवे हो जाएगी, हो गया E1। फिर रीजन थ्री में E1, फिर रीजन फोर में E1। टू की वजह से लिखेंगे तो टू की वजह से क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका E2। ठीक, यहां भी हो जाएगा E2। ठीक है, सॉरी टू में लिख रहे हैं ना, हाँ यहाँ ये हो जाएगा E2। ठीक है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया है, क्या आएगा यहाँ पर, डायरेक्शन एरो उल्टा हो गया। ठीक, एरो उल्टा हो गया तो सही कर दे। तरफ एरो आएगा E2 का, इस तरफ आएगा। ठीक, और ये भी आपका E2। अब किसका बनाएंगे, अब हम बनाएंगे थ्री की वजह से। तो थ्री की वजह से क्या हो जाएगी, थ्री की वजह से ये हो जाएगी आपकी E3। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ E3 आएगा, ठीक, इधर E3 इस तरफ आएगा और इधर भी E3 इस तरफ आएगा। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होती है, किस तरफ होती है शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है शीट में तो अब ये होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें रीजन वन की, दिख रहा है आपको वन रीजन, तो वन रीजन में अगर आप देखो E3 E1 E2 सबका डायरेक्शन क्या है, सबका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, नीचे हम बना दे रहे हैं, नीचे देखो E1 का भी डायरेक्शन सेम है, E2 का भी डायरेक्शन सेम है, E3 का भी डायरेक्शन सेम है। तो नेट फील्ड यहां पर क्या हो जाएगी, तीनों जो हो जाएंगी वो जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, तीनों हो जाएंगी जुड़ के कितना, E1 + E2 + E3 हो जाएगा। रीजन टू में क्या होगा, रीजन टू में देखो तो होगा क्या, E1 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, E2 और E3 उसके अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपस में सबट्रैक्ट। ठीक है, ये सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आ गया E1 - E2 - E3। तो अब यहां पर ये डिपेंड करता है कि आपका बड़ा कौन सा, अगर E1 E2 E3 से बड़ा हुआ तो आप क्या कहोगे, तो फिर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो फिर आंसर आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा और नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। ठीक, अगर E2 E3 बड़े होंगे तो अपोजिट हो जाएगा। रीजन थ्री में क्या होगा, रीजन थ्री में हम क्या कहेंगे, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, E3 क्या अपोजिट, तो यहाँ देखो माइनस आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ तीनों फिर से ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा E1 + E2 + E3 समझ आ गया। और E1 E2 E3 की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो σ1 + σ2 + σ3 / 2ε1। तो अब एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। ठीक है, हमें दो प्लेट दी हुई है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, हमें फील्ड की वैल्यू बनानी है, हमें बनाना है कि इसमें कितनी फील्ड आएगी, यहाँ कितनी फील्ड आएगी और यहाँ। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप फील्ड्स बनाओगे। ठीक है,
वन में, टू में और थ्री में, ठीक। तो हम मान ले रहे हैं ये हमारी प्लेट वन है, चलो हाँ। तो वन में हम क्या कहेंगे, रीजन वन में प्लेट वन की फील्ड क्या आएगी, वो इस तरह आएगी, इसको क्या कहेंगे बी वन, ठीक। रीजन टू में किस तरह आएगी, इस तरह आएगी बी वन, ठीक है। और रीजन थ्री में भी इस तरह आएगी, क्या कहेंगे ई वन। आप किसकी फील्ड बना रहे हैं, हम प्लेट टू की बना रहे हैं। कैसा चार्ज है प्लेट टू पे, कैसा चार्ज है प्लेट टू पे, नेगेटिव है ना। तो फील्ड किस तरह हो जाएगी, उसी की तरफ हो जाएगी, यहाँ पर फील्ड इसी की तरफ हो जाएगी और यहाँ पर भी फील्ड उसी की तरफ हो जाएगी। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन। अब अगर आपको लिखना है तो माइनस सिग्मा लिख सकते हो, नहीं तो हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर ली है। अच्छा, रीजन वन में नेट फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, ई नेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई वन माइनस ई टू आएगा, कितना हो जाएगा ये, आप ई वन माइनस ई टू करोगे कितना आएगा, हो जाएगा जीरो। टू में क्या होगा, टू में दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, और जब ऐड करोगे तो कितना आएगा e1 plus e2, वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। रीजन थ्री में क्या होगा, रीजन थ्री में हो जाएगा e net is equal to e1 minus e2, और वो आ जाएगा आपका जीरो। तो अब यहाँ पर अगर हम फाइनली डायग्राम बनाएं, जो नीचे आप जो आपने बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, आपकी प्लेट वन ये हो गई, प्लेट टू ये हो गई, इस तरह फील्ड क्या आ रही है, इस तरह फील्ड जीरो आ रही है, और इस तरह भी फील्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही है। केवल नेट फील्ड कहाँ आ रही है, नेट फील्ड आपकी यहाँ आ रही है, कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन। एक तरह से अगर हम चार डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो हम एक काम करते हैं, पहले सारा जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम फिर से बनाते हैं, ठीक। तो अगर हम सारा चार डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो हम कहेंगे ये आपकी दो प्लेट हो गई, एक प्लेट आपकी ये थी, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपकी ये थी, है। अच्छा, यहां पर आपकी फील्ड क्या रही थी, इधर फील्ड थी जीरो, इधर भी फील्ड थी जीरो, ठीक। यहाँ पर कितना चार्ज था, इस पे चार्ज था आपका प्लस सिग्मा, और इस पे चार्ज क्या था, माइनस सिग्मा। अब जैसे हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा करते हैं, उस ऑब्जर्वर को कितनी फील्ड दिखाई दे रही होगी, उस ऑब्जर्वर को फील्ड दिखाई दे रही होगी जीरो, दिख रही होगी। तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा, इसका मतलब ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे उसे कितना चार्ज दिखाई दे रहा होगा, इस सरफेस पे उसे चार्ज दिखाई दे रहा होगा जीरो, तभी तो उसे फील्ड क्या दिखाई देगी, जीरो दिखाई देगी। सेम हम यहाँ पर भी कहेंगे, यहाँ पर भी उसे कितना चार्ज दिखाई देगा, जीरो। कितना चार्ज हमने दे रखा था, प्लस सिग्मा। अगर इसका हम चार्ज मान, इसका एरिया मान लें हम ए, तो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना होगा, यू वन सिग्मा इंटू ए। इसका भी एरिया अगर हम मान लें ए, तो क्यू टू क्या होगा, माइनस सिग्मा ए। सारा का सारा चार्ज प्लेट वन में इस सरफेस पे होगा और यहाँ पर इस सरफेस पे होगा। फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आई थी, यहाँ आई थी, कितनी आई थी, ई कितना आया था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। तो आप पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर हम इस प्लेट को चार्ज देते प्लस क्यू और इस प्लेट को चार्ज देते माइनस क्यू, तो क्या होता, सारा का सारा चार्ज इस सरफेस पे आ जाता। यहाँ चार्ज क्या होगा, बाहर वाले रीजन में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा किसमें, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कैपेसिटर, ठीक है, इसलिए ये आपको याद रखना है, ठीक। किसमें यूज होगा, कैपेसिटर में यूज होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट। हमें एक प्लेट दी हुई है, कंसीडर द प्लेट टू बी मेड ऑफ टू इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड। मतलब हमें यहाँ पर अब एक कैसी प्लेट दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, ठीक है, लार्ज थिक प्लेट कर लो आप। प्लेट कैसी है, थिक है, ठीक। दोनों सरफेसेस पे चार्ज हमने क्या क्या मान लिए, प्लस क्यू प्लस क्यू, और एरिया क्या मान लिया, एरिया भी मान लिया हमने ए, ठीक है। मतलब इस वाले सरफेस का एरिया मान रहे ए है, और इस वाले सरफेस का एरिया भी मान रहे हम क्या है, ए है। तो टोटल चार्ज कितना दिया हमने प्लेट को, टोटल चार्ज दिया हमने टू क्यू, टू क्यू, टू क्यू। आप कहेंगे जो चार्ज है, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, तो कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक, सरफेस पे, सरफेस सरफेस पे रहेगा, ठीक है।
तो हमने कहा कि जो 2q चार्ज था वो डिवाइड हो गया, इस पे कितना आ गया, इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू और इस वाले सरफेस पे भी चार्ज आ गया प्लस। हमने मान लिया इस पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय ए। तो ये ध्यान रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी लेकिन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिफरेंट आप डिफरेंस आप समझे, अगर हम एक थिन प्लेट लेते ठीक है और थिन प्लेट को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या देते, सिग्मा देते, तो इस पूरे प्लेट पे चार्ज कितना रहता, इस पूरी प्लेट पे चार्ज क्यू ही रहता क्योंकि ये क्या yes, sir. ये थिन प्लेट थी ठीक है, इसीलिए एक सरफेस होगा। लेकिन अगर आप एक किसी थिक प्लेट को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा देते हैं, कितना देते हैं सिग्मा, कितने चार्ज होंगे यहाँ, कितने सरफेस होंगे यहाँ पर, यहाँ दो सरफेस होंगे, टोटल कितना सरफेस काउंट करोगे आप, 2a ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टोटल चार्ज लिखोगे ना तो q टोटल कितना लिखोगे, सिग्मा इंटू 2a यानी कि 2q, अगर आप सिग्मा इंटू ए को क्यू मान रहे हो तो भैया, क्योंकि थिन प्लेट में एक ही सरफेस काउंट होगा, दो नहीं काउंट होंगे, ठीक वो एक ही सरफेस हो गया। यहाँ पर फिर बात ये भी है ना, यहाँ पर फिर आप अगर काउंट करोगे तो फिर ये भी सरफेस काउंट करो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक। चलो खैर उसे हालांकि बहुत ज्यादा फर्क आपका आएगा नहीं लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो। तो इसको टोटल चार्ज कितना दिया हमने, 2q, तो हम मान ले रहे हैं ये हमारा सरफेस 1 है, ये हमारा सरफेस 2 है, ये हो गया रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। सरफेस 1 पे कितना चार्ज है आपका, प्लस क्यू, सरफेस 2 पे भी कितना चार्ज है, प्लस क्यू। अब रीजन 1 में आप 1 चार्ज की फील्ड बनाओगे, क्या आएगी, E1, किस तरफ, इस तरफ। रीजन 2 में आप चार्ज 1 की वजह से या सरफेस 1 की वजह से फील्ड बनाओगे वो आएगी E1, इस तरफ, यहाँ पर भी E1, इस तरफ। E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। अब हम आते हैं सरफेस केपेबल, ये वाला चार्ज है ना इसकी वजह से, सरफेस 2 वाले चार्ज की वजह से, इसे क्या लिखेंगे हम, पहले हम कहेंगे रीजन 3 में बनाते हैं, किस तरफ आएगी फील, इस तरफ आएगी, कितनी आएगी, E2 ठीक है। अब हम रीजन 2 में आते हैं, फील आएगी इस तरफ, कितनी आएगी, E2। अब हम रीजन 3 में आते हैं, फील किस तरफ आएगी, E2। रीजन 2 में अगर आप देखो तो फील क्या हो रही है, कितना आ रहा है, E1 माइनस E2 आ रहा है। अच्छा E2 की वैल्यू भी यही होगी, फाइनली हो जाएगा 0। यहाँ दोनों क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, ऐड हो गए, कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 कितना आना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ठीक। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा, बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थोड़ा सा गलती जो हो सकती है वो गलती ये हो सकती है, जैसे हम बात करें हमें एक सरफेस दिया है, इस पे चार्ज हमें प्लस क्यू दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आंसर एरिया ए है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यही लिखेंगे सर, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दें, कितना चार्ज दिख रहा होगा, कितना चार्ज दिख रहा होगा, क्यू, फील्ड क्या दिखाई दे रही होगी, फील्ड दिखाई दे रही होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या दिख रहा है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। यहाँ पर देखो, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा कर दें, कितना चार्ज दिख रहा है, चार्ज कितना दिख रहा है यहाँ पर, प्लस क्यू, प्लस क्यू, और फील्ड क्या दिख रही है, फील्ड दिख रही है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको, यस सर, यस सर। बात है ना, यहाँ पर जब आप फील लोगे, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ जब आप फील लोगे तो आपको एक्चुअली में ये जो फील है ना, ये दो चार्ज की वजह से है या दो सरफेस की वजह से, एक इस सरफेस की वजह से और एक इस सरफेस। जब हम फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से करोगे,
इसको टोटल चार्ज क्या दिया गया था, 2Q दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्ज क्यू आ गया, यहाँ पर चार्ज क्यू आ गया, और आपने फील्ड बना दी कितनी, यहाँ पर आ गई आपकी फील्ड कितनी, इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर फील्ड हो जाएगी जीरो। इस पे आते हैं हम, सिस्टम को जिस तरह से हमें दो प्लेट दी हुई है, ठीक है, ये आपकी प्लेट वन, इसको चार्ज आपने दे रखा है प्लस क्यू वन, ठीक, और इसको चार्ज दे रखा है आपने प्लस, हमें निकालना है पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स पे, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, रीजन टू मान लो इसको, इसमें निकालना और इसमें निकालना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर हम बात करें, ठीक है, प्लेट वन की, ठीक, तो प्लेट वन हमने कहा इस तरह से हमारी, चलो अच्छा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, प्लेट वन, ठीक है, अब प्लेट वन पे हमने क्या कहा, कितना चार्ज दिया था हमने, प्लस क्यू वन दिया था, तो हम क्या कहेंगे, अभी आपने एक सिंगल प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था जिसपे 2Q चार्ज दे रखा था हमने, कितना कितना चार्ज डिवाइड हो रहा था, यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू वन बाई टू और प्लस क्यू वन बाई टू, एरिया कितना मान रहे, एरिया मान रहे ए, ई वन क्या आ जाएगा आपका, ई वन आ जाएगा क्यू वन अपॉन कितना लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और यहाँ पर भी ई वन क्या लिखेंगे, क्यू वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही लिखेंगे, क्यू वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यस सर, यस सर, यस सर। प्लेट टू को थोड़ा हम दूर कर लेते हैं, और प्लेट टू और प्लेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, प्लेट टू एक अलग जगह रखी हुई है, प्लेट वन एक अलग जगह रखी हुई है, इस पे कितना चार्ज था आपका, क्यू टू, इधर कितना चार्ज आएगा, इधर आएगा क्यू टू बाई टू, इधर आएगा क्यू टू बाई टू, कोई दिक्कत, इसमें जब आप फील्ड लिखोगे ई टू कितना लिखोगे, क्यू टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, सॉरी टू नहीं आएगा, कितना आएगा, Q2 upon A epsilon naught. नहीं टू आएगा ना, जब चार्ज इधर Q आ रहा था तो आंसर में क्या आ रहा था, Q upon A epsilon naught आ रहा था, आएगा टू, सॉरी Q2 upon 2 है तो आएगा, अगर पूरा Q2 होता तो नहीं आता, हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, जब हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर जब हमने चार्ज यहाँ पर क्यू लिया था तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया था ना, अच्छा तब 2Q चार्ज था टोटल, हाँ तो अब यहाँ Q2 बाई 2 है तो आंसर में क्या आएगा, Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना चार्ज आएगा, यस सर, इधर भी क्या आएगी, E2 कितनी आएगी, Q2 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, टू एप्सिलॉन नॉट। हम दोनों प्लेट्स को ले आए पास में, ठीक है, पास में ले आए, पहली वाली प्लेट की यहाँ पर फील्ड इस तरफ थी E1, ठीक, और दूसरी वाली प्लेट की फील्ड इधर क्या थी, E2 इस तरफ, ठीक, आया ना, yes, ये आपकी प्लेट क्या है, ये आपकी प्लेट वन है और ये आपकी प्लेट क्या है, टू है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है कि नहीं है, यहाँ पर E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, E1 की वैल्यू क्या थी, Q1 upon 2 epsilon naught और E2 upon 2 epsilon naught और E2 की वैल्यू Q2 upon 2 epsilon naught, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E1 plus Q2 upon 2 epsilon naught Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर भी यही बनेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बनेगा, हाँ सर, यस सर, यहाँ पर क्या बनेगा, ई नेट Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 माइनस E2 क्या लिखोगे आप, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
यस सर। चलो हम एक बार फिर से लिख रहे हैं सारा कुछ ऊपर अच्छे से, ठीक, दोनों प्लेट के बीच में क्या क्या फील्ड आएंगे, ठीक है। तो आप हम फिर से बना रहे हैं, कितनी प्लेट थी हमारे पास, दो प्लेट थी हमारे पास, फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज था, Q1 चार्ज था, ठीक है, दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज था, Q2 चार्ज था, ठीक है, इस पे कितना चार्ज था आपका, Q2 चार्ज था, ठीक। यहां पर नेट फील्ड कितनी आई थी आपकी, Q2 अपॉन, यहां पर नेट फील्ड आपकी आई थी, अच्छा, Q2 अपॉन 2F, ठीक है। यहाँ पर नेट फील्ड क्या आई थी आपकी, सेम आई थी, कितनी आई थी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2F0 आई थी। और यहाँ पर क्या आई थी फील्ड, Q1 माइनस Q2, ठीक, अच्छा। अगर एक ऑब्जर्वर हम खड़ा कर दें यहाँ पर, कितनी फील्ड दिखाई दे रही है उसको, उसको ये फील्ड दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, yes, sir. तो वो क्या कहेगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, उसको फील्ड दिखाई दे रही है Q1 प्लस Q2 बाई 2, उसे क्या फील्ड दिखाई दे रही है, उसे फील्ड ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, उसे कितना चार्ज दिखाई देगा यहाँ पर, उसे चार्ज दिखाई देगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। भैया जब यहाँ पर आपको कितनी फील्ड दिखाई दे रही थी, जब यहाँ पर आपको फील्ड दिखाई दे रही थी Q upon Epsilon naught, कितना चार्ज था इस सरफेस पे, इस सरफेस पे चार्ज था Q. अब कितनी फील्ड दिखाई दे रही है, Q1 प्लस Q2 upon 2 Epsilon naught, कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 upon 2 Q1 प्लस Q2 by 2, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 by 2 होगा, यस सर, ठीक, यस सर, ठीक है। इस पे कितना चार्ज होगा, इस टू प्लेट को टोटल कितना चार्ज दिया था आपने, इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज था, Q1 था ना, यस सर, और इधर yes, कितना sir. आ चुका है, इधर आ चुका है Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ चुका है, तो बचा हुआ इधर आएगा, इस पे जब आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस पे चार्ज आएगा, कितना चार्ज आ गया इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ गया इस वाले सरफेस, Q1 प्लस Q2 बाई 2। चलो एक बार हम फिर से सही से बना दे रहे हैं, इस सरफेस पे आपका चार्ज आ गया था Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही आया था, टोटल चार्ज कितना था, Q2 था, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा इस वाले सरफेस पे, हाँ, इस बाहर वाले सरफेस पे आपका चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2, अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q2 में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, Q1 प्लस Q2 बाई 2 को करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यस सर, आएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। एक तो मैं आप बस इतना बताओ फिर से एक बार, इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, कितना चार्ज आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे कितना चार्ज आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इधर Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक। दोबारा हम एक बार फिर से बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझे, ओके सर, ठीक। तो ये आपकी प्लेट 1, ठीक है, ये आपकी प्लेट 2, ठीक है। प्लेट 1 पे कितना चार्ज था, Q1, इधर कितना चार्ज आया था, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे कितना चार्ज था, Q2, इधर कितना चार्ज आया था, Q1 प्लस Q1 बाई 2,
ठीक, इधर कितना चार्ज आया था? Q1 माइनस Q2 बाय 2। इधर कितना चार्ज आया था? Q2 माइनस Q1 बाय 2। Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। माइनस Q1 माइनस Q2 बाय 2। सही है? यस सर। इस पर आप कितनी फील्ड आई थी? सर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर कितनी फील्ड आई थी? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। इधर कितनी फील्ड आई थी? Q2 माइनस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब फाइनली कंक्लूजन या शॉर्ट तरीका सारा कुछ करने का। कितनी प्लेट दी हुई थी हमें? दो। तो टोटल कितना चार्ज था? दो। Q1 प्लस Q2 टू। Q1 प्लस Q2। तो आप क्या करोगे, आप जितना भी चार्ज आपको दिया हो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी आपको प्लेट दी हो, एक दो तीन चार पांच दस पंद्रह बीस पचास, ठीक, सारी प्लेट्स का आप सारा का सारा चार्ज जोड़ देंगे और उसका आधा करके आप सबसे राइट में दे देंगे और सबसे लेफ्ट में दे देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। जितना भी चार्ज आपको दिया है आप सारा का सारा क्या करेंगे, सारा का सारा चार्ज ऐड करके सबसे लेफ्ट में और सबसे राइट में दे देंगे, ठीक। उसके बाद आप अगर कोई भी प्लेट किसी भी प्लेट से कनेक्ट नहीं है, ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, मतलब आइसोलेटेड प्लेट है, मतलब उसका किसी और प्लेट के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके बाद आप क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम कहेंगे इस प्लेट पे जब आपका चार्ज आ जाएगा तो उसका जस्ट माइनस नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चार्ज था यहाँ पर माइनस क्यू टू बाई टू था, क्यू वन माइनस क्यू टू, यस सर, वन माइनस क्यू टू, उसी का जस्ट नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन, यहाँ पर कितना माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, क्यू टू माइनस क्यू वन बाई टू, माइनस माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू। ठीक है, समझ में आ गया? एच सी वर्मा का क्वेश्चन कराते हैं पहले, ये थोड़ा मतलब ये इसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट हो गई है, कम नंबर ऑफ प्लेट का कराते हैं। एच सी वी किसी पे खुली हो अगर तो हमें पेज नंबर कोई बता सकता है तो बता दे। गॉस लॉ किस पेज पे है? तो 140 के आसपास होगा। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 देख, तो आंसर क्या आएगा? मिला वो माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू, तब पे बताओ मैं पूरा फाइनल। माइनस क्यू बाई टू तीनों प्लेट पे, मतलब ये आपकी प्लेट वन है, ठीक है, ये आपकी प्लेट टू है। अरे यार ये सही से खुलता ही नहीं, चलो एक मिनट, ये आपकी प्लेट वन है, ये आपकी प्लेट टू है और ये आपकी प्लेट थ्री है। हाँ, अब मैं ये बताओ इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू। अच्छा इधर इधर थ्री क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू,
माइनस क्यू बाई टू। क्या करेंगे हम, सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो क्यू माइनस टू क्यू बाय टू, ठीक है, और उसको सबसे राइट साइड में और सबसे लेफ्ट साइड में दे देंगे, ठीक। अब हम कहेंगे कोई भी प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं है तो क्या लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, क्यू एक तरफ, माइनस क्यू बाई टू आ गया, तो इधर कितना आएगा, थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू। अब थ्री क्यू बाई टू इधर आ गया, तो इंडक्शन से इधर कितना आएगा, माइनस थ्री क्यू बाई, थ्री क्यू बाई टू, माइनस थ्री क्यू बाई, थ्री इधर माइनस क्यू बाई टू था, कितना टोटल चार्ज था, माइनस टू क्यू, माइनस क्यू बाई टू इधर आ गया, इधर कितना आएगा, माइनस थ्री क्यू बाई टू, माइनस थ्री क्यू बाई टू। अब इधर इंडक्शन से कितना आएगा, प्लस थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू। बीच वाली प्लेट पे नेट चार्ज कितना है, जीरो, पहले भी क्या था, जीरो, जीरो है ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी, केवल डायरेक्शन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ लेफ्ट, क्या आएगी वैल्यू, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या आएगी डायरेक्शन, इस तरफ क्या आएगी वैल्यू, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर क्या आएगी डायरेक्शन, लेफ्ट, कितना आएगी वैल्यू, राइट, थ्री क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, थ्री क्यू बाय, अच्छा टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। इधर कौन, इस तरफ कितना, थ्री क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पोटेंशियल और कैसी फील्ड होगी, हर जगह फील्ड होंगी यूनिफॉर्म होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था, सर उधर वाली उस तरफ होगी जो आपने लास्ट में लिखी, हाँ सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ठीक है। डायरेक्शन, हाँ सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डीआर इनटू डी। अगर हम मान लीजिए सेपरेशन आपका डी वन है और ये सेपरेशन आपका डी टू है, तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, यस सर, किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा वन और टू में, yes, चलो अब ये बता दे, नहीं तो डायग्राम मिट जाएगा, फिर कलम है फिर बनाना पड़ेगा, करा ही दे रहे हैं पूरा। इसको हमने मान लिया प्लेट वन, इसको मान लिया प्लेट टू, इसको मान लिया प्लेट थ्री, वी वन माइनस वी टू क्या होगा, मतलब कहां से कहां जा रहे हैं, टू से जा रहे हैं वन की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव होगा, यस सर, टू से किस तरफ जा रहे हैं, वन की तरफ, नेगेटिव होगा, वन टू नहीं पॉजिटिव होगा, कितना आएगा, थ्री क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी आपकी बीच में, थ्री क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई थी फील्ड या बीच में यहाँ, वन और टू का डिफरेंस निकाल रहे हैं, और वो क्या है, सेपरेशन क्या है, सेपरेशन है डी वन, है डी वन, यस सर। इसी तरह से आप वी टू माइनस वी थ्री लिखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, थ्री से टू जा रहे हैं, से टू जा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, थ्री से टू, थ्री से टू, अच्छा थ्री से टू जा रहे हैं, हाँ अपोजिट, फील्ड के अलोंग, फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव होगा, टू एप्सिलॉन नॉट डी टू, ठीक है, थ्री क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी टू, ठीक है।